हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम आपको प्रिंटेड कपड़े से 5 साल की बच्ची के लिए हाइलो अम्ब्रेला फ्रॉक बताएंगे, जिसके लिए देखिए हमने 1.5 मीटर कपड़ा लिया है। ये हमारा 1.5 मीटर कपड़ा है, लेकिन कपड़ा हमारा काफ़ी अच्छा है, बहुत मोटा कपड़ा है आप देख सकते हैं, और इसमें अस्तर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप चाहें तो लगा सकते हैं। देखिए काफ़ी मोटा कपड़ा है, आपको मेरा हाथ भी नहीं दिख रहा होगा, तो इसमें अस्तर की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए सबसे पहले हम इसमें से अपना घेरा कट करेंगे, और इसमें घेरा थोड़ा एक्स्ट्रा कट करेंगे चौड़ाई में, क्योंकि उसमें छोटी छोटी हम प्लेट डाल देंगे बाद में। तो जिसके लिए जो हमारे 1.5 मीटर कपड़ा है आप देख सकती हैं, अब इसको हम इस तरीके से राउंड में फोल्ड करेंगे ऐसे, और ये आप बड़े मेथड से भी बना सकती हैं, ये मैं छोटा बना रही हूँ तो मैं छोटे मेथड से बताऊँगी आपको। तो देखिए इसको हमने इस तरीके से फोल्ड किया, अब ये कोना, ये खुली साइड है, ये बंद साइड है, और ये हमारा लंबाई है ये वाली। सबसे पहले कमर का नाप ऐसे लिया जाता है, अब यहाँ से हम कमर का नाप लेंगे। तो बच्चे की जितनी भी कमर है उसमें 1.5 इंच ज़्यादा ले लीजिए, तो यहाँ से मैं थोड़ा एक्स्ट्रा ही लूँगी, तो मैं यहाँ से ले रही हूँ 9 इंच, क्योंकि इसमें प्लेटें आएंगी इसलिए मैं घेरा एक्स्ट्रा ले रही हूँ यहाँ से, और ये अम्ब्रेला में ही बनेगा। अगर इसे आप बिल्कुल कमर से फिट बनाना चाहती हैं तो आप बिल्कुल कमर से फिट लें, अगर प्लेटें डालना चाहती हैं तो इसमें प्लेटें डालेंगे, तो 12-12 इंच पे हमारा ये टोटल आ रहा है, तो हल्की सी यहाँ से शेप दे देंगे इस तरीके से। और देखिए अब यहाँ से हम लेंथ देखेंगे कि हमारी लेंथ कितनी आ रही है। तो देखिए यहाँ से जो लेंथ है वो आ रही है हमारी 22 इंच, ठीक है। अब यहाँ से भी हम 22 इंच पे ही निशान लगाएंगे ये वाली साइड से ऐसे, और बीच में से भी 22 इंच पे ही लगाएंगे, और सभी को आपस में जॉइंट कर देंगे। इस तरीके से और अब यहाँ से इसकी कटिंग करेंगे, और जो ये एक्स्ट्रा कपड़ा बच गया है इसमें से हमारा नीचे का घेरा हो गया, वो ऊपर के टॉप पार्ट निकलेगा, तो सबसे पहले हम ऊपर से कटिंग करेंगे यहाँ से। ये मैंने बिल्कुल बड़े वाले साइज़ में लिया है, क्योंकि अगर हम फिक्स लेते तो हमें प्लेटों के लिए कपड़ा नहीं मिलता, लेकिन हमें ये ब्रेस्ट से थोड़ा एक्स्ट्रा लेना है। अब देखिए ये हमारे पास दो पार्ट आ गए हैं, और देखिए खूब सारा घेरा है, अब इसमें हम आराम से ऐसे छोटी छोटी प्लेट डाल सकते हैं इस तरीके से। अब हम पहले इनके दो पार्ट करके और इसको एक पार्ट को थोड़ा सा कम करेंगे। अब ये दो पार्ट हो गए हमारे, एक पार्ट को हटाएंगे फ्रंट पार्ट को, और जो बैक पार्ट है सॉरी जो फ्रंट पार्ट है उसमें हम हल्का सा शेप देंगे। तो देखिए हमने फ्रंट पार्ट को बिछा लिया है, अब यहाँ से हम निशान लगाएंगे 5 इंच पे, 5 इंच हम इससे ऊंचा रखेंगे, तो यहाँ से हम इस तरीके से शेप दे देंगे। देखिए ऐसे, यहाँ से कपड़ा नहीं कट करना है, सिर्फ आगे से करना है इस तरीके से, और इसकी हम कटिंग कर देंगे सिलाई के लिए बचाते हुए। अब देखिए हमारी जो शेप है वो इस तरीके से आ जाएगी ऐसे, बैक पार्ट से थोड़ी सी ज़्यादा। अब हम क्या करेंगे कि अब हम इसको तो अलग कर देंगे, क्योंकि ये हमारा कट के तैयार है, अब हम इसके टॉप पार्ट के लिए इसमें से कपड़ा अलग कर लेते हैं। देखिए कपड़े को 4 फोल्ड में रख दिया है, बंद वाली साइड से बचा दिया है कपड़ा, वो हमारा किसी और में काम आ जाएगा। अब लंबाई देखेंगे तो हम टोटल जो लंबाई है वो हम अपनी 12 इंच की तैयार रखेंगे, 12 इंच पे निशान लगाया, यहाँ से छाती के हिसाब से लिया है, और यहाँ से कट कर देंगे थोड़ा सा 1/2 इंच बढ़ा के, क्योंकि सिलाई में जाएगा इतना, 1/2 इंच बढ़ाया है बस मैंने सिलाई के लिए, और 12 तैयार है। इसको अलग कर देंगे बचे हुए कपड़े को, और यहाँ से इसे बराबर कर लेंगे, थोड़ा छोटा बड़ा है ये कपड़ा। अब ये हमारे पास आ गया है 4 पीस बैक और फ्रंट के लिए, ठीक है, 4 पीस में कपड़ा है हमारा। अब यहाँ से
तीरा, इसमें फ्रंट में कॉलर लगेगा तो यहाँ से तीरे के लिए निशान लगाएंगे। वैसे लगाते हम बिना कॉलर का तो ये हम 4.5 पे लगाते, लेकिन अभी हम 6 पे लगाएंगे। यहाँ से आर्म होल लेंगे हम, ये स्लीवलेस होगा तो 6 इंच पे, और यहाँ से गोलाई कर देंगे, और यहाँ से कमर का चौथा हिस्सा, बच्चे की जितनी कमर है उससे आपको चौथा हिस्सा निकाल के बस 1 इंच ज़्यादा लेना है, तो मैं यहाँ से ले रही हूँ 7 इंच, और हम इसको इससे ऐसे मिलाएंगे और इसकी हम कटिंग कर देंगे जैसे जैसे ड्राफ्टिंग की है। हाफ इंच थोड़ा सा यहाँ से डाउन करेंगे ऐसे, ठीक है। अब ये हमारे पास देखिए 2 पार्ट आ गए हैं। अब हम फ्रंट पार्ट में गले की कटिंग करेंगे। तो देखिए हम सबसे पहले गले की चौड़ाई के लिए निशान लगाएंगे, जो लगाएंगे हम 2 इंच से 1 पॉइंट कम, ठीक है। अब लंबाई के लिए लगाएंगे, लंबाई के लिए लगाएंगे हम 1.5 इंच पे, और यहाँ से इस तरीके से राउंड शेप दे देंगे। और देखिए जो नीचे से होगा उसे थोड़ा सा हम इस तरीके से गोल में कर देंगे। ये देखिए हल्का सा किया है मैंने, करीबन 1/2 इंच के बराबर चौड़ाई ले ली है और ऐसे हल्की सी यू शेप दी है, और कटिंग कर देंगे फ्रंट पार्ट के गले की। तो देखिए ये हमारा यहाँ से बंद होके ही कॉलर लगेगा इसमें, ये ध्यान रखें आप, पहले बंद होगा फिर कॉलर आएगा बैक साइड तक। और देखिए जो ये कोने हैं इनको अलग करेंगे क्योंकि फिर कॉलर लगाने में दिक्कत आएगी, यहाँ से इनको कभी ओपन कर देंगे ऐसे, क्योंकि कॉलर हमारा ऐसे राउंड में यहाँ से होते हुए पीछे की साइड जाएगा, तो इसको हम बिल्कुल बराबर कर देंगे इस तरीके से, ठीक है। अब हम फ्रंट में जो इसमें जिप वगैरह लगेगी या कोई भी हुक वगैरह लगा लीजिए उसके लिए हम निशान लगाएंगे, तो हम लगा रहे हैं 5.5 इंच पे निशान। यहाँ से हम इतना ही गोलाई देके कटिंग करेंगे और फिर यहाँ से सीधा कटिंग कर देंगे इसको ऐसे। तो देखिए ये हमारा बैक पार्ट हो गया। जितना आप बड़ा करना चाहती हैं सर के हिसाब से कर सकते हैं, यानी कि सर आना चाहिए बच्चे का। अब उसके बाद ये पूरी कटिंग हुई कंप्लीट, और जो बचा कपड़ा है उसमें से तिरछी पट्टियाँ कट करके इसकी सिलाई करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम ये अपना फ्रंट पार्ट तैयार करेंगे, और देखिए ये हमें पट्टियाँ लगानी हैं वो यहाँ से लेके यहाँ तक ही लगानी है, क्योंकि यहाँ से फिर हमारा राउंड कॉलर जाएगा। तो हमें देखिए जो हमारे कपड़ा बचा था उसको हम इसके ऊपर ऐसे रख लेंगे इस तरीके से रख के, और सिलाई लगा देंगे पेपर पेस्टिंग का, यहाँ से सिलाई को लगा के बस ऐसे घुमा के यहाँ तक लगा लेना है। देखिए सिलाई लगा ली है, अब कपड़े को यहाँ से कटिंग करेंगे, सिलाई यहाँ से लेके यहीं तक लगाई है बस। तो देखिए हमने एक्स्ट्रा पट्टी को कट कर लिया है। अब देखिए हमने जैसे इसको सीधी साइड रख के लगाया था, उल्टी साइड को इस तरीके से पूरी पट्टी को हम फोल्ड कर लेंगे। तो देखिए इस तरीके से हमने पट्टी को लगा लिया है, उल्टी साइड को तुरपाई कर लेंगे, और यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा पूरा खाली है, बस हमने राउंड को कंप्लीट किया है। अब बैक गले में जिप के लिए तैयार करेंगे पट्टी, उसके लिए भी हमने कपड़ा ले लिया है, और देखिए इसको इस कपड़े के ऊपर ऐसे रखेंगे इस तरीके से, और यहाँ पर भी ऐसे ही सिलाई लगा देंगे पूरे में। देखिए सिलाई लगाई है, सिलाई मैंने देखिए ऐसे करके और ऐसे घुमा दी है, ठीक है। अब हमने एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर दिया है, अब बीच से इस कपड़े को भी कटिंग कर लेंगे। अब देखिए हमारे पास इस तरीके से, ये देखिए इस तरीके से पट्टी आ गई है। अब इस पट्टी को हम ऐसे उल्टी साइड को फोल्ड कर देंगे जैसे अभी गले की साइड किया था। तो देखिए जिप के लिए हमारी ये पट्टियाँ भी तैयार हो गई हैं। अब हम यहाँ पे जिप लगा लेंगे, पहले हम इसका तीरा जॉइंट करेंगे, जिप लगा लेंगे। मैं सोच रही हूँ यहाँ पे बटन लगा लूँ क्योंकि ज़्यादा होल बड़ा नहीं है, तो मैं यहाँ से और यहाँ तक लूप लगा के बटन लगाऊँगी। अब देखिए इसमें हम अपना घेरा अटैच करेंगे। तो देखिए जैसे हमने घेरे को एक्स्ट्रा लिया था, ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि इसको और इसको सीधा मिला के रखेंगे यहाँ पे,
मशीन की साइड पे, और बीच में एक दो प्लेटें डाल देंगे जितना भी बड़ा होगा। ये यहाँ से ऐसे रखा, पहले यहाँ पे थोड़ी सी सिलाई लगा लेंगे और फिर बीच में प्लेटें डालनी है हमको। देखिए ऐसे छोटी छोटी प्लेटें, जिससे हमारा कपड़ा भी सेट हो जाए और इसका लुक भी अच्छा है। ऐसे करीबन डेढ़ डेढ़ इंच की दूरी से जितनी भी हमारी प्लेटें आएंगी उतने हिस्से तक हम पूरे में बांटेंगे। और बैक साइड में भी सेम प्रोसेस करना है जैसे इधर कर रहे हैं, बैक में भी सेम तरीके से डालना है। तो यहाँ तक पूरे में एक प्लेट और आएगी, फिर सिलाई लगाएंगे सीधी। तो देखिए हमारे डल गए हैं और बैक में भी डाल ली है। अब इनका तीरा ज्वाइंट कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने दोनों आर्म होल पे पट्टी लगा दी है। और देखिए आप बेल्ट लगाना चाहते हो तो आप लगा सकते हो, लेकिन मैं इसमें बेल्ट नहीं लगा रही हूँ, मैं इसे ऐसे ही रख रही हूँ। अब देखिए यहाँ से हम फिटिंग करेंगे, जितनी की बच्चे की फ़िटिंग है उस हिसाब से नीचे तक फिटिंग करेंगे इसकी। एक साइड से फिटिंग डाल दी है, दूसरी साइड से सेम करेंगे, ये दोनों आपस में मिलने चाहिए। ये देखिए फिटिंग दोनों साइड से कर ली है। और इस फिटिंग की हमने यहाँ से ऐसे की है कि इसमें हमें बेल्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब सबसे पहले देखिए इसका बॉटम फोल्ड कर लेंगे और फिर उसके बाद हम इसमें कॉलर लगाएंगे। तो बॉटम को देखिए हम डायरेक्ट हमने इसलिए पूरा राउंड कर बंद कर लिया है ताकि हमारा एकदम बंद हो जाए। अब इसमें हम कॉलर लगाएंगे, हमने अपना राउंड भी कंप्लीट कर लिया है। अब कॉलर को यहाँ से नापेंगे पूरा। तो देखिए हमने ये दो निशान लगा दिए हैं, हम आपको नाप के भी बता देते हैं कि ये कितनी कितनी दूरी से कॉलर को नापना है। तो देखिए इधर से भी 2 इंच और यहाँ से भी 2 इंच, और फिर उसके बाद कॉलर को नापना है आपको। तो देखिए इस तरीके से इंच टेप को लूज़ रखते हुए देखना है कि कहाँ तक हमारा। तो देखिए यहाँ से स्टार्ट करेंगे ऐसे, और देखिए कॉलर हमारा यहाँ से होते हुए जाएगा यहाँ से। तो इतना लूज़ पकड़ना है इंच टेप को, इतना। तो हमारा जो टोटल कॉलर होगा वो 12 इंच का होगा, सॉरी 14 इंच का। तो हम यहाँ से 14 इंच की एक पट्टी कट करेंगे, हम पेपर पेस्टिंग का यूज़ नहीं करेंगे। अभी देखिए हमने ये सीधी पट्टी ले ली है, और देखिए सीधी पट्टी लेके ये मैंने करीबन 3 इंच चौड़ी पट्टी ली है, और देखिए इसके ऊपर ऐसे सिलाइयाँ लगा ली हैं। और इसको अब सीधा करेंगे, जैसे हम डोरी बनाते हैं उसके लिए हम सीधा करते हैं। तो देखिए हम किसी भी स्केल की सॉरी सुई की मदद से या फिर हम किसी पेन से इसको ऐसे सीधा कर लेंगे, जिससे हमें कॉलर में थोड़ी सी ज़्यादा फोल्ड ना करना पड़े। ये हमारा एक बार में ही फोल्ड हो जाएगा। इस तरीके से इसको बराबर करके सिलाई लगाएंगे। अब देखिए हमने ये सीधी पट्टी बना के तैयार कर ली है, काफ़ी मोटी पट्टी बन चुकी है, और अब हम इसको लगाएंगे कॉलर को। तो देखिए हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे पीछे से इस तरीके से रख के, और राउंड में लगाते हुए लाएंगे। अब देखिए यहाँ से कैसे लगाना है वो पहले आप यहाँ तक ये राउंड कंप्लीट करिए, ये कॉलर लगेगा कैसे हम आपको आइडिया देंगे अभी। देखिए जैसे हमने यहाँ तक इसको ऐसे नापिए पहले अपने गले को, और फिर कॉलर को ऐसे रखिए, देखिए इस तरीके से इतना लूज़, और फिर यहाँ से सिलाई को स्टार्ट कीजिए। या तो आप पिनअप कर लीजिए या फिर आप कच्चा कर लीजिए, जो भी आपको ठीक लगे। अब यहाँ से सिलाई को पीछे तक लेके जाएंगे, और देखिए हमने इसमें कॉलर इस तरीके से लगा रहे हैं, जो भी हमारा एक्स्ट्रा होगा उसको हम बचा के कट कर देंगे, क्योंकि इसमें हमने पेपर पेस्टिंग तो लगाई नहीं है। आप भी इस तरीके से लगाएंगे तो आपको और थोड़ा सा ईजी हो जाएगा। अब बचे हुए कॉलर को हम कटिंग करके फोल्ड करेंगे। अब देखिए हमने कॉलर लगा दिया है, और एक हमने इसके ऊपर फूल भी लगा दिया है, तो इस तरीके से कॉलर का लुक रहेगा। और देखिए बैक से हमारा ये, तो देखिए बैक से इस तरीके से आ जाएगा ये, और यहाँ पे हम लूप्स लगा के दो बटन लगा देंगे इस तरीके से पूरा। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा फ्रॉक बन के तैयार हो चुका है। देखिए इसका गला भी कितना अच्छा आया है, पीछे हमने दो बटन लगा दिए हैं, और देखिए ये हाई लो में है। तो हमें उम्मीद है कि आपको हमारा वीडियो पसंद आएगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।